के मौसम चल रहा है सरकारी बैंकों का, और मैंने और राकेश जी ने लगातार कई सारे सरकारी बैंकों पर खरीदारी की राय दी है, और जिस बैंक पर अभी खरीदारी की राय दे रहे हैं इस पर भी निचले स्तरों पर मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है। स्टॉक का नाम है आईडीबीआई बैंक, जिसमें आज 10 की कमाई में मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक में एक बड़ा ही शानदार इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर मुकम्मल हुआ, ब्रेकआउट आया, और अब ये स्टॉक जो है वापस से अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल्स को रिक्लेम करने के लिए तैयार हो रहा है। तो आईडीबीआई बैंक में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। देखिए दीपांशु, आईडीबीआई बैंक को राय देने के दो कारण है। एक तो टेक्निकल तो है ही है, और दूसरा कारण है अनिल जी। देखिए अनिल जी ने वेदांता के बारे में बोला था, जब पैनिक हुआ था पहली बार इसका ओपन ऑफर आया था तो अनिल जी ने बोला था देना नहीं है, और बड़े ऊपर के 350 प्लस के लेवल्स दिए थे। सेम चीज अभी भी अनिल जी बोल रहे हैं कि आईडीबीआई में एलआईसी अपनी खरीद के नीचे के भाव पे नहीं बेचेगा। तो जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, इसे बाय होल्ड, बाय एंड बाय करके होल्ड करना चाहिए, सेट टाइट हो जाना चाहिए एंड वेट एंड वॉच करना चाहिए पैटर्न्स को अनफोल्ड होने के लिए। बड़े ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, मुझे लगता है 75 प्लस के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो इन लेवल्स के लिए आईडीबीआई बैंक में निवेश की राय।